राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अक्षय तृतीया के दिन सुनी जाने वाली कथा का श्रवण करेंगे। अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर अक्ति पूजन भी कहा जाता है, उसमें किस कथा को सुना जाता है वो आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे। हर वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर अक्षय तृतीया का व्रत पूजन किया जाता है। मान्यता के अनुसार जो भक्त अक्षय तृतीया पर दान पुण्य का काम करता है उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया व्रत में पूजा के बाद में कथा अवश्य रूप से पढ़ना चाहिए, इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। यह तिथि सनातन धर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। ग्रंथों के अनुसार अक्षय तृतीया पर शुभ कार्य करना बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। लोग इस दिन दान पुण्य जप और तप करते हैं। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पर घर में नई चीज़ें लाना, जिस प्रकार से हम धनतेरस पर लाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अक्षय वृद्धि होती है। सभी वस्तुओं में घर में धन धान्य आता है, सुख समृद्धि आती है। मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना भी बेहद लाभदायक होता है। आइए कथा सुनना प्रारंभ करते हैं। कथा सुनते टाइम आप एक जल का लोटा भर के रखें, हाथ में कुछ पुष्प और चने की दाल और जौ हाथ में ले करके इस कथा को पूरी श्रद्धा के साथ सुने। प्राचीन काल में सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला धर्मदास नाम का एक वैश्य था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से इस व्रत के महात्म्य को सुना। कालांतर में जब वह पर्व आया तो उसने गंगा स्नान किया, विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना तथा वस्त्र आदि दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान की। स्त्री के बार बार मना करने, कुटुंबजनों से चिंतित रहने तथा बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह अपने धर्म कर्म और दान पुण्य से विमुख न हुआ। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया के दान के प्रभाव से ही वह बहुत ही धनी और प्रतापी बना। वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी भी धर्म से विचलित नहीं हुई। अक्षय तृतीया के दिन इस कथा के श्रवण से अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति होती है और राजयोग की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हाथ में जो आपने चने की दाल या फिर पुष्प लिए हैं, उन्हें हम कलश के पास या फिर अपनी पूजा में इस प्रकार से छोड़ देते हैं और फिर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। और जो जल का लोटा आपने भर के रखा है उसे हम सूर्य भगवान को या फिर किसी भी पवित्र पौधे की जड़ में, गमले आदि में दे देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। यदि आपके पास कथा नहीं है तो आप इस कथा को सुन करके भी अपना अक्षय तृतीया का पूजन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता महालक्ष्मी।